बहुत ही आसानी से इसको मिनटों में बना सकते हैं और मम्मी की टेंशन भी दूर हो जाती है कि मेरा बच्चा आज भूखा तो नहीं सो रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स को या वर्किंग कपल को अब एवरीडे वही बोरिंग खाना जोमैटो स्विगी से ऑर्डर करके खाना, बाहर का खाना, ये सब खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा एंड यम्मी मोहन थाल सिर्फ 5 मिनट में रेडी, वाओ क्या बात है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, यूएई में हमारे काफी सारे इंडियन दोस्त इसे एवरीडे कुकिंग में यूज कर रहे हैं। जितने भी फूड लवर्स हैं उन सभी लोगों के लिए हमारे पास खाने का बहुत बड़ा खजाना अवेलेबल है। आहा, मुझे तो खाने का मन हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। एंड कब ये रेडी होगा और कब मैं इसको टेस्ट करूंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं फोरम इंस्टा फूड से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको इंडिया के मोस्ट यूनिक इजी टू कुक रेसिपी के हमारे मोर देन 22 फूड प्रोडक्ट्स के साथ हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे घर का खाना, माँ के हाथों के खाना जैसा स्वाद लेके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सेठा एक्सपोर्ट से हमारे साथ तेजल मैम भी हमारे साथ है और हम यहाँ पे यम्मी डिलीशियस एक स्वीट डिश मोहन थाल एंड पंजाबी करी, काजू करी बनाने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। एंड यू नो वॉट, ये इजी टू कुक रेसिपी है। यानी कि अब जनरली लोगों को पैकेट फूड देख के हमेशा लगता है कि ये एक फ्रोजन फूड या फिर फ्रीज ड्राई होगा, बट ये मोस्ट यूनिक इंडिया की रेसिपी जो इजी टू कुक रेसिपी है और ये कुक्ड फूड है। यानी कि आपको इसे कुक करना है और फिर खाना है। सो सबसे पहले हम हमारा जो इंस्टा फूड काजू करी मिक्स है वो लेंगे और उसको पैन में पूरे कंटेंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सारे ही स्पाइसेस और सारी चीजें परफेक्ट मात्रा में ऑलरेडी ऐड की गई है। जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आता है, अगर आप न्यूली वेड करके अभी शादी करके अपने नए नए घर में गए हो, स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, NRI, वर्किंग कपल्स जिनके पास समय नहीं है, इन सभी लोगों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आपको इजीली फ्राई पैन के ऊपर आपको सिर्फ ये सारी चीजें ऐड करनी है। काजू करी में हम 350 ml मिल्क हम ऐड करेंगे और इसको हम स्लो इंडक्शन पे यानी कि स्लो गैस पे हम इसको कंस्टेंटली कुक करते जाएंगे। इसको आप गैस स्टव के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर, किसी भी तरह के चूल्हे के ऊपर आप इसको आसानी से बना सकते हो एंड इट इज रियली ईजी टू कुक दिस। सो पैन में हमने इंस्टा फूड काजू करी हमने ऐड कर लिया है, परफेक्ट मात्रा में मिल्क भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते जाएंगे एंड परफेक्ट मात्रा में सब कुछ ऐड होने के बाद 7 मिनट्स में, जस्ट 7 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा बहुत ही परफेक्ट टेस्ट के साथ और गार्निशिंग के साथ और उसके टेक्सचर के साथ। सो जैसे कि एक पैन पे तो हम काजू करी बना रहे हैं, बट आप जानते ही हो कि हमारे इंडियंस को कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी दिन हो, इनफैक्ट एवरी डे इवन आफ्टर लंच के बाद भी स्वीट डिश अगर ना मिले तो खाना अधूरा लगता है। सो इन्ही स्वीट टूथ के लिए हमारे पास बहुत सारे स्वीट डिश के ऑप्शंस भी है जो कुछ ही मिनटों में सिर्फ पानी या दूध ऐड करने से बन जाते हैं 3-step इजी कुकिंग में। अब देख रहे हो हमारे पास मूंग दाल हलवा, रवा शीरा, मोहन थाल जैसे यम्मी डिलीशियस फूड आइटम्स भी अवेलेबल है, स्वीट डिशेस भी अवेलेबल है। तो चलिए दूसरे पैन पे हम मोहन थाल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इंस्टा फूड मोहन थाल सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाता है। सो हम पहले पैन में हमारा इंस्टा फूड मोहन थाल मिक्स जो पूरा कॉन्टेंट है उसको हम ऐड करेंगे। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज अगेन, इसमें शुगर, कार्डमम और परफेक्ट मात्रा में दाल, सभी मिक्सचर को बहुत ही परफेक्ट मात्रा में ऐड किया गया है। हर एक इंडियन को खाने के बाद या तो फिर रात को डेजर्ट में स्वीट खाने का तो बहुत शौक है, बट बनाने की बहुत मुश्किल लगती है कि ये बनाना परफेक्ट मात्रा में बनेगा कि नहीं, उसका टेस्ट ऐसे शुगर का लेवल और बाकी चीज़ें परफेक्ट मात्रा में बनेगी कि नहीं। बट नाउ डोंट वरी, इंस्टा फूड के हमारे इस डेजर्ट और हमारे स्वीट के जितने भी मिक्सचर्स है उसमें सभी चीज़ें परफेक्ट मात्रा में ऐड की गई है। बहुत ही आसानी से विदाउट एनी मुश्किल आप इसको घर पे विद इन 5 मिनट्स बना सकते हो। सो अब हम पैन के अंदर ऐड करेंगे 100 ml मिल्क। जो स्वीट डिश है उसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आपको उसमें अलग से ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें भरपूर ड्राई फ्रूट ऑलरेडी एडेड है। सो आप देख पा रहे हो कि ये कितने सही तरीके से मिक्स हो रहा है और कितना अच्छा टेक्सचर दे रहा है, कलर भी पकड़ रहा है हमारा इंस्टा फूड मोहन थाल। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ना ही एडेड कलर्स है। हमारे काफ़ी सारे इंडियन दोस्त जो कंट्री से बाहर शिफ्ट हुए हैं या तो स्टूडेंट्स जो जनरली अपने घर से बाहर रहते हैं PGs एंड हॉस्टल में, वो जनरली घर के हाथों का खाना, माँ के हाथों का खाना बहुत मिस करते हैं, इंडियन फूड को मिस करते हैं। उन सभी लोगों ने इसे इंस्टा फूड के हमारे इन सारे ही फूड डिशेस को बहुत अच्छी तरह अपनाया है। ऑलरेडी कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, यूएई में हमारे काफ़ी सारे इंडियन दोस्त इसे एवरीडे कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है।
इनफैक्ट स्टूडेंट्स 15 साल के ऊपर के कोई भी बच्चे विदाउट एनी मुश्किली से या विदाउट एनी प्रिपरेशन के बिना बहुत ही आसानी से इसको मिनटों में बना सकते हैं, और मम्मी की टेंशन भी दूर हो जाती है कि मेरा बच्चा आज भूखा तो नहीं सो रहा है। तो ये सारे टेंशन दूर हो के इंस्टा फूड इन सभी लोगों के लिए एक वरदान के रूप में माँ के हाथों का खाना लेके आता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे इंस्टा फूड काजू करी में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब देखिए ये 2-3 सर्विंग बहुत ही अच्छे से 2-3 लोगों के लिए मोर देन इनफ क्वांटिटी में बन रहा है। काजू भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे इंस्टा फूड में जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 22 फूड ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है। यानी कि स्टूडेंट्स को या वर्किंग कपल को अब एवरी डे वही बोरिंग खाना जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके खाना, बाहर का खाना, ये सब खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंस्टा फूड के हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स 80 रुपीज से लेके 200 रुपीज के बीच में 2-4 सर्विंग्स यानी कि पर पैकेट 2-4 लोग उसमें एंजॉय कर सके उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब जनरली अगर कैलकुलेट भी करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स या वर्किंग कपल्स जनरली एक बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हमेशा चूज करते हैं, तो अगर हम जनरली भी कैलकुलेट करते हैं घर की ग्रॉसरी का खाना अगर हम कैलकुलेट करें, या तो फिर आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर भी करते हो बाहर का खाना, तो हमारा मंथ का एक्सपेंस जनरली 10,000 के ऊपर चला जाता है। बट इंस्टा फूड के साथ आपको 5,000 रुपीज के अंदर पर पर्सन पर मंथ में पूरी हमारी फूड रेंज अवेलेबल हो सकती है। इंस्टा फूड के हमारे काजू करी मिक्स को आप देख रहे हो कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी पकड़ चुकी है, बहुत थिक और अच्छी ग्रेवी की ये जो खुशबू भी मुझे आ रही है, मुझे तो खाने का मन हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, एंड कब ये रेडी होगा और कब मैं इसको टेस्ट करूंगी। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज हमारे इंस्टा फूड में जितने भी फूड पैकेट्स है वो जिपलॉक टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी कि अगर आप इसको एक बार ओपन करते हो तो आप इसको वापस भी नॉर्मल घर में रूम टेम्परेचर पे ही इसको जिपलॉक करके आराम से स्टोर कर सकते हो, और दूसरी बार आप वापस इसको कर सकते हो यूज फॉर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कुकिंग। हमारा इंस्टा फूड का ना ये मिशन है कि कोई भी भारतीय आज बाहर के देश में, या कोई भी स्टूडेंट जो अपने घर से बाहर है, वो अपने माँ के हाथों के खाने को मिस करते हुए या इंडियन फूड को मिस करते हुए भूखा नहीं सोना चाहिए, और ये इंस्टा फूड का वादा है। सो देखते ही देखते हमारी काजू करी की पूरी सब्जी एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी है, प्लेटिंग के लिए तैयार है। एंड यू नो व्हाट, हम इसको अलग अलग वेरिएशंस में भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हो, अगर कोई दिन आपको मन है तो आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, जस्ट टू हैव अ डिफरेंट फ्लेवर बाय योर चॉइस। खाने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं सब लोग, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि हमारी यम्मी इंस्टा फूड काजू करी एकदम तैयार हो चुकी है। एंड लुक एट द टेस्ट, लुक एट द कंसिस्टेंसी, ये क्या यम्मी लग रही है। आप देख पा रहे होंगे शुद्ध देसी घी वाला हमारा ड्राई फ्रूट से भरपूर यम्मी एंड परफेक्ट स्वीट बैलेंस करते हुए हमारा मोहन दाल भी इंस्टा फूड का रेडी हो चुका है। एंड हम इसको अभी प्लेट में जब निकाल रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से रोस्टेड है ऑलरेडी, एंड बहुत अच्छा टेक्स्चर आ चुका है। एंड आप इसको भगवान के किसी काम में यानी कि प्रसंग पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, फेस्टिवल में भी आप इसको यूज कर सकते हो। 5 मिनट में घर में विदाउट एनी मुश्किली से आप आराम से इसे बना सकते हो। बहुत ही अच्छा एंड यम्मी मोहन थाल सिर्फ 5 मिनट में रेडी, वाओ क्या बात है। मुझे ये कहते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है और गर्व हो रहा है कि हमारे इंस्टा फूड में जो इतने सारे फूड ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है, वैसे विश्व भर में और कोई भी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच में सेटा एक्सपोर्ट से तेजल मैम एंड पीयूष सर अवेलेबल है, जिन्होंने इंस्टा फूड ब्रांड को पूरे विश्व भर में हर एक इंडियन तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। हमारा इंस्टा फूड प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया है जिसमें आपको कोई भी केमिकल्स नहीं है। आप मार्केट में से कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम केमिकल्स यूज होता है, या तो टेस्टफुल बनाने के लिए उनको ज़्यादा मसाला यूज़ करते हैं जिससे आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है या तो कोई गर्म मसाला नहीं है, और हम वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री में हम लोगों को एक्सेप्ट किया है। आज हम लोग USA में भी अवेलेबल है, कैनेडा, जर्मनी, बहरीन, सऊदी, और गुजरात में तो गुजरात महाराष्ट्र में तो हम फैले हुए ही है। और हमारे साथ जिन लोगों को भी हम जुड़ना है, हम लोग डीलर नेटवर्क अभी इंडिया में खड़ा कर रहे हैं, और डीलर नेटवर्क के लिए हमारे साथ अगर हमारी ब्रांड के साथ और इंस्टा फूड सेलिंग का जिम्मा लेके हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ वो जुड़ सकता है, और हम लोग ओपन कर रहे हैं अभी डीलरशिप के लिए। तो वेलकम टू इंस्टा फूड और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह इन लोग के प्रोडक्ट लेके घर पे एकदम आसानी से स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते हो
तो ये जो ब्रांड है वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जस्ट गो फॉर इट। और इन लोग का प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या तो फिर शॉप instafood.com में से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो मैं दोस्तों का शेयर कर दो, और ऐसे और न्यूज़ देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दो। पीस आउट।